नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां पर कई जिलों में हालात खराब हैं। महाराष्ट्र के 9 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं और कई इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। कोल्हापुर से लेकर सांगली तक के लोग परेशान हैं। फसलें नष्ट हो गई हैं, सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और लोगों को जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर भागना पड़ा है। कई जगहों पर पानी कम हो रहा है, लेकिन इसे पूरी तरह से घटने में वक्त लगेगा और तब तक जल जमाव से लोगों में काफी परेशानी है, कई तरह की मुसीबतें हैं। राहत विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों से अंदाज लग सकता है कि हालात कितने बुरे हैं। 2,29,000 लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। 164 लोगों की मौत की खबर है। 25,564 जानवरों की जान गई है। 56 लोग जख्मी हुए हैं और 100 लापता हैं। 1,028 गांवों पर बाढ़ का असर हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल सांगली का है। यहां पे काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय पर लोगों को निकाल लिए जाने की वजह से जान का नुकसान नहीं हुआ है। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सांगली जाने वाली सभी सड़कें बंद हैं, घर डूबे हैं, पुल डूबे हैं। सांगली और आसपास के इलाकों में जमीन बाढ़ के उत्पात मचाते पानी में छिप गई है। भिलेवाड़ी लून बाढ़ के सबसे बुरे असर वाले इलाकों में से एक है, जहां 10 फुट तक पानी है। 4 दिन के बाद भी सांगली में आज यही स्थिति है। बाढ़ के कारण आप देख सकते हैं, जो रास्ता सांगली की तरफ जाता है वो पूरी तरीके से पानी के नीचे है। सामने आपको कृष्णा नदी दिखाई देती है, जिसके ऊपर एक ब्रिज बनाया गया, लेकिन इस वक्त ब्रिज बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और यही कारण है कि सांगली में लोगों के घर में से और रास्ते के ऊपर से पानी उतरना अभी भी बाकी है। 3 दिन से ये पानी है, आज चौथा दिन है। कल से पानी थोड़ा थोड़ा उतर रहा है, लेकिन 60 फीट तक वो भिलोड़ी पतली थी, अब ब्रिज पर 10 फुट तक पानी है। जानवरों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। 32,000 जानवरों को एनिमल शेल्टरों में पहुंचाया गया है। इन इलाकों के लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने घरों की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया है। सांगली के तकरीबन 100 गांव पानी में डूबे हैं, इसलिए 2,00,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। सांगली के पालक मंत्री जयंत पाटिल, मंत्री विश्वजीत कदम और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार नाव में बैठकर हालात का जायजा लेने के लिए गए। उन्होंने गांव वालों से बातचीत की और एक राहत शिविर का भी दौरा किया। एक दिन में कभी 100 साल में ऐसा नहीं हुआ, हमारे कोयना डैम में 24 घंटे के अंदर 16.5 इतना TMC पानी 24 घंटे के अंदर उसमें आया। नदी के दूसरी तरफ कुछ ऐसा नजारा है। अंकल को गांव की सड़कों पर एक मगरमच्छ नजर आया। वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको दिख रहा होगा, वही कल सुबह हमने मगरमच्छ देखा था। ठीक है, खेत में से आया था वो मगरमच्छ। यहाँ पे बहुत मगरमच्छ हर रोज देखे जाते हैं। अच्छा। तो उसी का डर रहता है कि लोकल पब्लिक को, सांप होते हैं मगरमच्छ। अभी घर में पानी है, निकल जाएगा तो वो अंदर ही रहते हैं कुछ, तो इसी का छोटे बच्चों को वगैरह डर रहता है। आसपास के गांव ही नहीं, सांगली शहर भी अचानक आई तेज बारिश का कहर झेल रहा है। सांगली की जेल में भी पानी भर गया। शहर के कई इलाकों में पहुंचना अब भी आसान नहीं है, जिनमें मुख्य बाजार भी शामिल है। सांगली शहर और सांगली जिले में पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि पूरी तरीके से पानी उतरने में और 24 घंटा लगेंगे। पिछले 4 दिन सांगली के निवासियों के लिए बहुत मुश्किल वाले दिन रहे हैं, लेकिन इतनी सारे बुरी खबरों के बीच में एक जो अच्छी खबर है वो ये है कि इस जिले में कोई भी इंसान का मौत नहीं हुआ है बाढ़ की वजह से। कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सांगली से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया।
आपने देखा सौरभ शुक्ला की, सौरभ की रिपोर्ट, सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, और जैसा बता रहे थे कि सांगली में हालात बुरे हैं, बावजूद इसके यहां पर जान का नुकसान नहीं हुआ है, और इसकी जो इसका श्रेय है वो जाता है एनडीआरएफ को भी, जो लगातार एनडीआरएफ की टीमें यहां पर बचाव के काम में लगी हुई हैं और लोगों को यहां से निकाल कर ले गई हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्य प्रधान जी, जो महानिदेशक हैं एनडीआरएफ के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे ये जानना चाहते हैं सत्य प्रधान जी की, इस वक्त जो राहत और बचाव का काम चल रहा है, इस समय उसकी क्या स्थिति है? देखिए नगमा जी, जो स्थिति है वो थोड़ी सी अपेक्षाकृत बेहतर कही जा सकती है, क्योंकि बारिश बंद है पिछले दो दिनों से, तो इसलिए ऑपरेशन करने में थोड़ी सी अपेक्षाकृत आसानी जरूर हुई है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह भी कहना जरूर होगा कि जो मेजर कैजुअल्टीज हुई हैं वो लैंडस्लाइड से हुई हैं, लगभग 6 लैंडस्लाइड्स हुई हैं छोटी बड़ी, और अतिवृष्टि और जल जमाव के चलते, बाढ़ के चलते भी कुछ जाने गई हैं। तो इसी परिस्थिति में हम लोगों ने लगातार ऑपरेशन किया है और एज वी स्पीक 2 से 2.25 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है, और कई जगह छोटे मोटे ऑपरेशन अभी भी बोट के माध्यम से चल रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, यहाँ तक कि पशु धन को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। तो ये लगातार जारी रहेगा। अभी जो हाल की सूचना है वो ये कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एनडीआरएफ टीम को ऑपरेशन कॉल ऑफ करने की एडवाइजरी दी है, तो उसके हिसाब से रायगढ़ का ऑपरेशन अभी कॉल ऑफ हो रहा है, और साथ में पालघर और कुछ अन्य जिलों में भी ऑपरेशन लगभग खत्म की ओर है, लेकिन कुछ जिले ऐसे रह जाएंगे जैसे कोल्हापुर, सांगली, शायद सतारा भी, जहां पर ऑपरेशंस चालू रहे। जी, अच्छी खबर यह है कि रायगढ़ में ऑपरेशन जो है वो कॉल ऑफ किया गया, क्योंकि हालात सुधरे हैं, लेकिन सांगली का हाल बुरा है। और बड़ी बात आप बता रहे हैं, 2.25 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। अब कौन कौन से जिले हैं जिन पर अभी भी बहुत ज्यादा प्रभाव है, जो अभी भी इससे जूझ रहे हैं? सांगली शहर, सतारा में भी और कोल्हापुर में भी कुछ इलाकों में पानी जल जमाव के चलते ही जो क्षति हुई है, उसी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जान माल की जो क्षति हुई है वो जल के चलते हुई है, जल जमाव के चलते हुई। और ये समझ में आएगा कि निश्चित रूप से जब जल जमाव करीब 6-7 फीट तक भी किसी समय हुआ था, तो उससे प्रॉपर्टीज, यू नो, बिल्डिंग्स, शॉप्स, दुकानें जो हैं सब अफेक्टेड हुई हैं, उसमें भी जो सामान रखे होंगे वो सब खराब हो गए होंगे। तो ये तो आकलन का विषय है कि इसके बाद आकलन जब होगा, लेकिन फिलहाल सर्च एंड रेस्क्यू का काम चल रहा है और उसको हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं, और इसके अलावा कुछ रेस्टोरेशन का भी काम चल रहा है, बिजली रेस्टोरेशन का, पानी रेस्टोरेशन का, उसमें भी यथासंभव एनडीआरएफ मदद करेगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। जिन जिलों में जल जमाव ज्यादा है और जल निकलने का, निकासी का रास्ता नहीं मिल रहा है, वहां पर अभी 2-3 दिन, हो सकता है 48 से 72 घंटे का समय अभी भी लगे। बिल्कुल सत्य प्रधान जी, जैसा आप बता रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है कि पानी की वजह से बिजली की समस्या, और उसके बाद तमाम चीजें, खाना पानी, इतने लोगों को इवैक्यूएट किया गया, लेकिन अब एनडीआरएफ की टीमों को भी मुश्किल आ रही होगी क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी इन इलाकों में। तो जो राहत और बचाव का काम है उसमें किस तरह की बाधाएं आ रही हैं? अभी कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है, यानी बारिश हो सकती है, तो क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में टीमों को? जी बिल्कुल, लेकिन जो अच्छी बात है, 34 टीमें एनडीआरएफ की लगातार काम कर रही हैं, कुछ टीमों को अभी रिलीफ किया जा रहा है जैसा मैं कह रहा था, लेकिन अच्छी बात यह है, ये अच्छी खबर कही जाएगी कंपैरेटिवली, क्योंकि आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और वो धीरे धीरे अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मानसून का जो इस फेज का जो कहर था वो अब तटीय महाराष्ट्र स्पेशली कोंकण डिवीजन में ये कम हो रहा है, कमतर हो रहा है, तो ये एक अच्छी खबर है। इससे रेस्क्यू रिलीफ और अन्य ऑपरेशंस में थोड़ी सी ज्यादा गति आएगी और ज्यादा एफिशिएंसी आएगी और हम लोग उसको अच्छी तरह से सेटिस्फैक्टरीली समाप्त कर पाएंगे, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आईएमडी का क्या प्रेडिक्शन होगा वो देखना पड़ेगा जी। इसलिए अभी हम लोग विड्रॉ करने की जल्दबाजी में नहीं है, आईएमडी का प्रेडिक्शन सटीक जब मिल जाएगा उसके बाद ही ये डिसीजन होगा कि एनडीआरएफ की टीमों को विड्रॉ किया जाए या नहीं।
लेकिन कुछ टीमों को जरूर विड्रॉ किया जा रहा है जो कि बाहर से आई थी और एयरलिफ्ट होकर आई थी, उनकी दूसरी जगह जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए जिला प्रशासन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के कंसल्टेशन में हम लोग कुछ टीमों को विड्रॉ कर रहे हैं। जी, अब जैसा आपने कहा कि दूसरी जगहों में भी उनकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में भी भूस्खलन, भारी बारिश की वजह से बुरा हाल है। कई और राज्य हैं जहां पर बारिश काफी ज्यादा हुई और इससे समस्या है, तो एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उन पर भी दबाव होगा, उनको अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र में अभी भी कितनी टीमों को रखा गया, कितनी टीमें तैनात हैं? जी बिल्कुल, ये एक अनप्रेसिडेंटेड बारिश की स्थिति कही जाएगी। ऐसा ये अभूतपूर्व सिचुएशन है, क्योंकि पहले लोग कह रहे हैं कि 40 साल में इतनी बारिश और जल जमाव उन्होंने नहीं देखा सांगली, स्पेशली सांगली कोल्हापुर के इलाके में। हालांकि 2019 में भी कोल्हापुर में बाढ़ आई थी, लेकिन इस तरह की परिस्थिति नहीं बनी। तो निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा और बहुत हिदायत के साथ डिसाइड करना पड़ेगा कि कब विड्रॉ किया जाए, कब नहीं किया जाए। इसलिए जो 34 टीमें हैं उसमें से ज्यादातर टीमें रुक जाएंगी और कुछ टीमें वापस हो जाएंगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर फिर भी वापस आ सकती हैं। और जैसा आप जैसा कह रही थी कि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, इसलिए ये सीजन ऐसा रहेगा कि एनडीआरएफ अपने टोज पर रहेगा और लगातार काम पर रहेगा। और एनडीआरएफ को हम लोग एक नेशनल एसेट के रूप में मानते हैं, क्यों नेशनल एसेट में इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए आज से कह रहा हूँ, क्योंकि किसी स्टेट का ये एसेट नहीं है। किसी स्टेट का बटालियन है तो उसी स्टेट तक सीमित रहेगा, ऐसा नहीं है। ये नेशनल फोर्स के रूप में काम करता है, इसलिए उड़ीसा की बटालियन के जो टीम्स हैं वो महाराष्ट्र आए हुए थे, गुजरात के बटालियन की टीमें महाराष्ट्र आई हुई थी, उसी तरह से जरूरत पड़ने पर महाराष्ट्र के बटालियन की टीमें दूसरी जगह जाएंगी। तो ये एक पूरी तरह से ऑल इंडिया नेटवर्क का काम है और ऑल इंडिया लेवल पर हम लोग काम करेंगे, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस मॉनसून सीजन में अभी काम बहुत बाकी है। बिल्कुल, तमाम तरह की समस्याएं भी आ रही हैं, इतना बड़े पैमाने पर वहां पर लोगों को निकाला गया है, इवैक्यूएट किया गया है, अब जान का नुकसान हुआ है। इसके अलावा लेकिन सत्य प्रधान जी, बहुत सारे लोग लापता हैं अभी भी और उनकी तलाश जारी है, क्या अंदाजा है लगभग अभी कितने लोगों को ढूंढा जा रहा है? देखिए, ऐसी कुछ सूचना है जो अपुष्ट कही जाएगी, लेकिन अपुष्ट सूचना भी एक सूचना ही मानी जाएगी। तो अपुष्ट सूचना के हिसाब से 50 से ज्यादा या 100 के करीब लोग अभी भी मिसिंग हैं, लापता हैं। अन्य अलग अलग इंसिडेंट्स में, कहीं बाढ़ में, कहीं भूस्खलन में, लैंडस्लाइड में ही आप रायगढ़ की बात अगर कहें तो 100 से ज्यादा शव एनडीआरएफ निकाल चुकी है, लेकिन कॉल ऑफ करना पड़ा क्योंकि बाकी 31 का आता पता नहीं मिल रहा है और इसको प्रिज्यूम डेड कहा जा रहा है। तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। चमोली में जब ये बाढ़ आई थी, उत्तराखंड में जब भूस्खलन और ग्लेशियल लेक बस्ट हुआ था, तो उसमें भी अभी भी बहुत लोग लापता हैं, लेकिन उनको प्रिज्यूम डेड करके उनको जो बेनिफिट्स मिलता है वो दे दिया गया है। तो ये परिस्थिति नेचुरल डिजास्टर्स में उत्पन्न होती है और ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम रहता है कि वो आकलन करके ये तय कर ले कि अब जो है ढूंढने से शायद अब बॉडीज ना मिले, क्योंकि ये भी मानना होगा, ये भी समझना होगा कि पूरा पूरा पहाड़ जब गांव पर गिर जाता है तो कहीं कहीं 15-20 फीट 30 फीट के नीचे मलबे में बॉडीज फंसी रह जाती हैं और उसको पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली ऐसे वेदर में। तो प्रिज्यूम डेड और विथ फुल बेनिफिट्स, ये भी एक संरचना होती है जिसको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करता है। तो इसी आधार पर रायगढ़ में कॉल ऑफ किया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर और भी हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पर है। लेकिन ये जरूर है कि ऐसी परिस्थितियों में मिसिंग लोगों की भी संख्या काफी रहती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए सत्य प्रधान जी। एनडीआरएफ के डीजी सत्य प्रधान हमें जानकारी दे रहे थे क्या स्थिति है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार जैसी बाढ़ आई है बहुत सारे जिलों में ऐसे सालों में नहीं देखा गया था और काफी बर्बादी हुई है बहुत सारे इलाकों में। रायगढ़ है, सांगली है, कोल्हापुर है, इन तमाम जगहों पर इस वक्त इसकी बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद किसान आंदोलन की बात, टिकैत किस बात पर चेतावनी दे रहे हैं योगी सरकार को।
और ट्रैक्टर से संसद पहुंचने के मामले में हिरासत में लिए गए कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत सभी 10 नेताओं को पुलिस ने रिहा कर दिया है। इन नेताओं पर कानूनी कार्रवाई को लेकर पुलिस विचार करेगी। पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि राहुल गांधी के ट्रैक्टर लेकर संसद की तरफ जाने के मामले पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। राहुल गांधी आज मोतीलाल नेहरू चौक से संसद की ओर ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले थे। राहुल गांधी ट्रैक्टर खुद चला रहे थे और उनके साथ कई कांग्रेस सांसद और नेता ट्रैक्टर पर सवार रहे, जिसमें रणदीप सुरजेवाला भी थे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह। उमा, आज का दिन काफी हंगामा खेज रहा और विपक्ष जोर शोर से विरोध करता हुआ नजर आया, बल्कि राहुल गांधी के ट्रैक्टर चलाने को लेकर बहुत चर्चा रही कि वो कैसे खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। लेकिन अब इस ट्रैक्टर चलाने के लेकर एक कानूनी कार्रवाई की भी बात हो रही है। क्या विपक्ष का जो ये हमला था वो कितना असरदार रहा है? जी देखिए, सरकार की तरफ से बयान जारी कर ये कहा गया है कि ये एक फोटो ऑफ था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पहली बार नहीं है जब कोई ट्रैक्टर लेकर संसद भवन की तरफ कूच किया हो। इसके पहले भी अलग अलग तरीके अपनाए जाते रहे हैं। एक आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, एक वीडियो बहुत चलता है जब अटल बिहारी वाजपेयी महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी लेकर संसद भवन के भीतर पहुंचे थे, तब तो वो भीतर तक पहुंच गए थे। लेकिन अब बदले हुए माहौल में कानून अलग तरह के बने हुए हैं, सुरक्षा एहतियात अलग तरह के लिए जाते हैं, इसलिए जो भी ट्रैक्टर लेकर संसद कूच करने कोशिश करता है उन्हें बाहर रोक दिया जाता है। 2017 में दुष्यंत चौटाला, जो कि तब बीजेपी के साथ नहीं थे, उन्होंने भी किसान मुद्दे को लेकर ट्रैक्टर से मार्च करने की कोशिश की थी। तो आज भी राहुल गांधी ने ट्रैक्टर से मार्च करने की कोशिश की और अपने संदेश में उन्होंने कहा, जो मीडिया से उन्होंने बात की उसमें उन्होंने कहा कि जो किसानों का जो संदेश है उसको संसद तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि संसद के भीतर आवाज नहीं सुनी जाती। तो जो लगातार कांग्रेस की कोशिश है किसान मुद्दे को जिंदा रखने की, काले कानून जिनको की नाम उन्होंने दिया है कि ये काले कानून है, उनको वापस लेने की। और ये इसलिए भी अहम है नगमा कि आने वाले समय में पंजाब जैसे राज्य में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चुनाव होना है, और खासतौर पे पंजाब जहां पे कि किसान आंदोलन ज्यादा एक मजबूती के साथ खड़ा नजर आया है, तो उस तरह के राज्य में अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए और अपना कैडर खड़ा करने के लिए, और जो एक कहा जाता है कि वहां पे कांग्रेस का मैदान अभी भी अच्छा है, एक बार रिपीट कर सकती है सरकार। तो इन सब बाबत राहुल गांधी का जो एक राजनीतिक तौर पे ये जो एक अभ्यास था वो सामने आया है, और यही वजह है कि राहुल गांधी ने दूसरी बार, पहली बार पंजाब में वो ट्रैक्टर की सवारी की थी और आज दूसरी बार उन्होंने ट्रैक्टर की सवारी की, संसद पहुंचने की कोशिश की। नगमा जी, शुक्रिया आपका। जैसा आपने कहा कि भले ही इसको सरकार फोटो ऑप कहे, लेकिन ये काफी कारगर रहा है। कम से कम जो किसान आंदोलन है उसको एक तरह से बल मिला है आज की इन तस्वीरों को देखते हुए। किसानों की संसद आज महिलाओं ने संभाली है, वो संसद जो जंतर मंतर पे चल रही है। जंतर मंतर पे हर रोज 200 किसानों का जत्था अपनी संसद लगा रहा है और आज ये जत्था सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का था। देखिए शरद शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार का दिन 100% महिलाओं के नाम रहा। 200 महिला किसानों ने सोमवार को विशेष संसद चलाई और कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। असली संसद में जैसे सांसद सरकार से सवाल पूछते हैं, वैसे ही इस प्रतीकात्मक संसद में भी पूछे गए। मेरे स्पीकर महोदय से क्वेश्चन है और कृषि मंत्री जी से भी, जब कोरोना काल था सारी दुनिया इतनी परेशान थी, तो कौन सी इतनी जल्दी थी कि उस टाइम पे ये तीनों बिल पास कर दिया आपने, और जब किसान कोरोना से भी जूझ रहा था और अपनी खेती में भी काम कर रहा था, उसके सिर पर बनती है। तो प्रतीकात्मक रूप से अपने बीच से ही बनाई गई कृषि मंत्री ने भी ऐसे जवाब दिए। मैं आप लोगों की कृषि मंत्री हूं और मैं महसूस करती हूं कि जो भी यहां बहुत तीखे सवाल किए गए हैं वो सही हैं। आपके खर्चे जितने सही हैं उतने मेरे भी सही हैं। मेरा भी ये ऐतिहासिक सवाल है कि ये लोगों को मारने के लिए कानून है और कॉर्पोरेट्स के फायदे के लिए कानून है। महिला किसान संसद में 46 साल की रमेश अंतिल भी आई। सोनीपत जिले के मुकिनपुर गांव की रमेश अंतिल आंदोलन में शुरू से जुड़ी हुई हैं। 3 फरवरी को सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान ही उन्होंने अपने पति को खो दिया, लेकिन जज्बा बरकरार है। 3 फरवरी को मेरे पति शहीद हुए, फिर भी मेरी सास ने ये कहा कि जमीन और जमीर अपनी बचानी है बेटा, मान और सम्मान के साथ
अपने काले कानून रद्द करा के आने हैं अगर मेरी बेटी होगी तो। उन्होंने मेरी बहू नहीं मान रखा, मैंने अपनी बेटी मान रखा उन्होंने मेरे को। ये बच्चा अपनी माँ के साथ पंजाब के बरनाला से जंतर मंतर पहुँचा। खेती के कानून के बारे में किसने बताया, कृषि कानून के बारे में आपको क्या बताया है? खेती में हमारी बच्चे काम करती है, किसान खुदकुशी करता है, काले कानून से गीत और जब जय कानून। और क्या बताया काले कानून के बारे में? जमाखोरी का कानून है, इसका वाना काले कानून के बीच की हमारे मुल्क में मैगिया मैगिया के क्या मिल दिया ने गरीब लोग गरीब भी नहीं सकते। हम लोग अंदर से ही इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, तो हमें तो ऐसे लगता ही नहीं है कि हमारे लिए ये पराया है। आम महिला किसानों के अलावा महिला एक्टिविस्ट भी किसान संसद में शामिल हुई और अभिनेत्री गुलपनाग भी। पुरुष किसान नेता केवल मददगार की भूमिका में बैठे नजर आए। मेरा मानना ये 70% खेती का कार्य महिलाओं के माध्यम से होता है। 70% अगर महिलाओं का योगदान ना हो तो खेती की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जंतर मंतर पर महिला किसानों की ये संसद जरूर प्रतीकात्मक है, लेकिन खेती में महिलाओं का योगदान प्रतीकात्मक नहीं है। जो लोग ग्रामीण व्यवस्था को समझते हैं वो जानते हैं कि गांव में कोई भी परिवार खेती तभी कर पाता है जब घर के मर्द और औरत दोनों मिलकर सहयोग करते हैं, काम करते हैं। जंतर मंतर दिल्ली से अपनी सहयोगी सुकृति द्विवेदी और कैमरा पर्सन मोहम्मद मुर्सलीम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर कहा है कि मांगे पूरी न होने की सूरत में ये आंदोलन जारी रहेगा और इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को भी चेतावनी देकर ये कहा कि वो ठीक से काम करें, नहीं तो लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे। ये आंदोलन हमारा वापसी नहीं होगा। और भी उसके साथ में है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, पेस्टिसाइड बिल है, पॉल्यूशन के मामले हैं, लेबर्स के मामले हैं, तो जितने भी मामले हैं इन सारे मामलों पे सरकार स्पष्टीकरण नहीं देगी। किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहां से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को भी, कि सरकार सही उससे काम करे। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से, लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे, उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ और ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश में क्यों अब सब दल डाल रहे हैं ब्राह्मणों पर डोरे। जय श्री राम, जय रामचंद्र की। और अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की। यूपी में अब ब्राह्मण राजनीति जोरों पर है। बसपा ने ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन किए तो समाजवादी पार्टी ने उससे भी बड़ा सम्मेलन करने का इरादा कर लिया और इसकी शुरुआत बलिया से 23 अगस्त से होगी। परशुराम जयंती की छुट्टी करने वाले मुलायम सिंह काफी पहले से ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश में रहे हैं। जय श्री राम, जय रामचंद्र की। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन ने समाजवादी पार्टी के कान खड़े कर दिए हैं। अब उसका पहला ब्राह्मण सम्मेलन 23 अगस्त को बलिया में होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सदैव विभिन्न जात समाज वर्ग के साथ ब्राह्मण समाज के प्रति उनका आदर भाव रहा है। 23 तारीख को बलिया से कार्यक्रम हम सब फिर शुरू करने जा रहे हैं। ये हम लोगों का दूसरा चरण होगा और जिसमें हम लोग प्रबुद्ध समाज के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। बीएसपी तो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, लेकिन समाजवादी लोगों ने तो भगवान परशुराम के मंदिर बनवा के उनमें पूजा भी शुरू कर दी है। ऐसे 5 मंदिर वे बलिया, मेरठ, बलरामपुर, जालौन और उरई में बनवा चुके हैं। 70 और जिलों में बनवाएंगे और लखनऊ के मंदिर में परशुराम की 108 फीट ऊंची कांसे की मूर्ति लगेगी। उनके हमने 108 फीट की दुनिया की जो सबसे बड़ी, सबसे भव्य, सबसे सुंदर, सबसे विशालकाय, एक अद्वितीय अप्रतिम मूर्ति, एक अद्भुत प्रतिमा, एक अद्भुत स्वरूप की हम लोगों ने परिकल्पना की है
और उस स्वरूप को हम लोग स्थापित करना चाहते। भगवान परशुराम के मंदिरों का पार्टी के लोगों को ब्राह्मण समाज में अच्छा असर दिख रहा है। जितना एक ब्राह्मण तबका है, जीने भर की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, बेबी बच्चे लड़के रिलन जुआ सब आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और भगवान परशुराम की जय जयकार कहते हुए यहाँ से जाते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं है, आते लोग जाते रहते हैं। अब तो समाजवादी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ ये भी दावा कर रहा है कि बीएसपी तो ब्राह्मणों की राजनीति कर रही है, लेकिन वे उनसे दिल से जुड़े हैं। वो एक साल में 57 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन कर चुके हैं। आज वो लोग सम्मेलन कर रहे हैं जिनको राजनीतिक रूप से केवल वोट की राजनीति करनी है। समाजवादी प्रबुद्ध सभा के बैनर के नीचे लगातार 2011 से समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम कर रही है। 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बीएसपी ने अपने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से की है। उसके ठीक अगले दिन बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने गुरु पूर्णिमा पे ब्राह्मण साधु संतों के चरण धोके उनसे आशीर्वाद लिया। यूपी में 11% ब्राह्मण वोट है, जो अपने तादाद के लिहाज से भी अहमियत रखता है और अपना माहौल बनाने के लिहाज से भी। जाहिर है कि चुनाव आए हैं, एक एक वोट की अहमियत है, लिहाजा ये चुनाव तक चलता रहेगा। बलिया में करुणा सिंधु, लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।